जब जाकर मैंने ये दिल्ली तक पकड़े हैं, घर वाला तो अब भी नहीं लगा था तने जिस हालत में पकड़िया रे बात जे कुछ गलत हो जंदा। नहीं मैंने जब जे इनके वहाँ गए ना कमरे पर गए तो जैसे आस पड़ोसी है उन तब ने पूछा कि प्रभात शर्मा नाम का कोई लड़का यहाँ रहा है, बोले रहा तो वो अपनी वाइफ के साथ रहा है। तो मेरे पापा मेरे जीजा बोले कि वाइफ तो यो है इसकी, तो बोले नहीं उसकी तो वाइफ घर है, वो तो गाड़ी लेकर जा रहा है और उसकी वाइफ तो घर बैठी है। अच्छा। तो मेरे पापा ने मेरे जीजा ने पड़ोसी था हाथ जोड़े कि भाई बता नहीं रहे थे मकान कदे भी झूठ बोल रहे हो, रात नज गए थे हम। तो मेरे जीजा ने यार मेरे उसने पापा ने हाथ पैर जोड़े कि भाई बता दो मेरी हमारी जिंदगी खराब हो रही हमारी लड़की की और वो इस तरह भाग का रहे हैं। तो पड़ोसी भी कह लगे भी हमने डाउट तो था कहीं ना कहीं इन पर दोनों पे भी ये गलत है। और देखो डर भय बिल्कुल भी नहीं, वो अपने सासरे में रह रही, तलाक नहीं ले रखा अपने सासरे तय। अच्छा। कुछ नहीं ले रखा और अपने सासरे में रह रही तीसरी गली में, इतना भी डर नहीं कि मैं नहीं, मैंने मतलब कोई पिछाड़ ले। साथ में तो आप ये कह रहे हो कि बहादुरगढ़ शादी हुई थी इसकी लास्ट टाइम, और ये कह रहे हो आप सासरा में दिल्ली में रह रही है, दिल्ली साथ में कह रहे सुनो हो मेरी बात, हाँ जी। जो बहादुरगढ़ शादी हुई थी ना हाँ। वो दिल्ली में पड़ा है, मतलब कि इनका अच्छा। एरिया बहादुरगढ़ का कोई एरिया उस दिल्ली के एरिया में पड़ा वो, दिल्ली तो मैंने इतना पता नहीं है, रिकॉर्डिंग है मेरे पे, मतलब इतना मैंने वो नहीं पता है। तो जिस तरह की उसके तीन गली छोड़कर उसका सासरा उसका घर है, अच्छा उस घर वाले का संजना ठीक का, और तीसरी गली में वो रह रही थी किराए पे मेरे घर वाले के साथ। उसने इतना भी डर नहीं होया, उसने अभी मेरा सासरे में तो कोई देख लेगा या मेरी गली में कोई मना पहचान लेगा तो कोई के का होगा, इतने मतलब इतना डर है खुल रहा उसका। अच्छा, फिर आपने संजना मिल गई घर में। हाँ उस घर में मिल गई। फिर वो तो ऐसे कह रही थी मेरा नौवां महीना लग रहा है, इसने मेरा मारे हैं, मारे मुरे कुछ नहीं, अगर मैंने उसका मारे होते तो कुछ तो निशान दिखाती। वो कह रही थी मेरा पूरा निशान है निशान वो जिस तरह के, वो घर से हम दरवाजा खोला, उसने दरवाजा खोला तो मैंने उसके पेट देखा, पहले तो गुस्सा हो रहा था बहुत ज़्यादा मेरा भी, माँ भी मिल गई तो मैं अच्छी तरह मतलब के गुस्सा तो आवे सब ने, तो मैंने उसका पेट देखा मैं एकदम मतलब सुन हो गई थी, मैं कही भाई प्रेग्नेंट है ये तो, धक्का तो लगे एकदम। तो मैंने उस तो कुछ नहीं किया, वो आमा उसने पकड़ कर और लान लगे गाड़ी में बिठाने के लिए। तो उसने देखा कि भाई मेरा हाथ उत्ता कुछ पकड़ना रहे, वो भाग ली, वो भाग गया नहीं उससे ज़्यादा क्योंकि प्रेग्नेंट थी, तो भाग ली थी। मैंने वो मेरा मौसा बोला, मेरे वो बोला फूफा कि भाई इसने पकड़ ले तू ज्योति, हम तो हाथ नहीं लगा सकते लेडीज है, तू पकड़ ले बेटा इसने, और अगर कुछ या गिर गई पैर उलझ जाओगे गिर गया कुछ भी होगा तो हम फंसेंगे, एक बच्चा पेट में तो हम फंसेंगे। नहीं उसको क्यों लेके आ रहे थे, उसके ले आने से क्या समाधान हुआ था? उसका तो ये लेके आए थे ना, इसके मेरी सास ने मेरे देवर ने ये बोल रखा था घरोंडे में पूरी बिरादरी वाला था कि मेरा लड़का अकेला रहा है दुबी रहा है। अच्छा। तो बस मैंने ये दिखाने के लिए ले आई थी, मैं कहा भाई ये दुबी रहा था, यो अब यो कहाँ था दुबी तो लेके आया हम इसने, भी वो कह रही थी ना मेरी सास की अलग मेरा लड़का अकेला रहा है दुबई चला गया, मेरा लड़का झूठ बोल रही है। अच्छा। मेरे लड़के ने बदनाम करी तो इसीलिए मैं लाई। उसने मेरा घर वाला तो कह रहा है मैंने लव मैरिज कर रखी संजना के साथ, उसने मीडिया में दूसरी वीडियो में बोल रखा संजना ने खुद कि भाई हमने अकेले में मांग भर रखी है, कि भाई हमने कमरे में अकेले मांग भर रखी, किसी के सामने फोटो नहीं खींच रखी। हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है, कानून का कोई खौफ नहीं है? कुछ खोप नहीं उन दोनों। आपने तलाक ले रखा था? नहीं मैंने तो तलाक नहीं, पहली तलाक ले रखा था। तेरा हस्बैंड फिर तेरी सारी दोनों की वीडियो आने के बाद ये बोल रहा है कि मेरा तो इसके साथ तलाक ही नहीं हो रहा था, मैं तो वैसे रह रहा था इसके साथ ही, तो मेरी फ्रेंड थी। 6 साल तक मैं इनके घर में रह रही थी, तो घर वाले इकरार नहीं करते, सवाल जवाब नहीं कोई करते। प्रूफ है आप पर? सब प्रूफ है, गली मोहल्ले तो आप किसी से भी पूछ लो, रिश्तेदारी में शादी वगैरह में हर जगह जाना मेरा, बात में भी लेकर गए थे इसकी बुआ का बात था, सब कहे मैं रिश्तेदारी में मतलब हर जगह इन्होंने पता है, रिश्तेदार ने भी सबने पता, रिश्तेदार भी इनके आकर का भी गलत करा पर बात ने, पहले तो लव मैरिज करके लाया क्यों था, लाया तो फिर इसकी गलत करा क्यों है, मतलब कि मैंने लव मैरिज नहीं करी थी। इन्होंने मेरे घर वाले ने ये बोला कि भाई रहना तो हमने इकट्ठा ही है, मैं इनके मतलब बकाई मांगी थी लव मैरिज के, मैंने कागज नहीं बनवाए थे, इन्होंने बोला बकाई में किस तरह आएगी, जिस तरह की कह लगे भी मेरा इतना बजट नहीं है। अच्छा। और मेरा ना इतना वो है कि मैं नौकरी छोड़कर मैं कोटा मान लूंगा फिरूंगा कागज बनवाऊंगा तैयार। अच्छा। करवाऊंगा भाई, अब मेरी दादी ने भी पता, मेरे गली मोहल्ले ने पता, मेरे रिश्तेदार ने पता कि तू मेरी घरवाली है। अच्छा। तो मैं तेना छोड़कर थोड़ी भागूंगा, इतना ही फ्रूक काफी हुआ है, बस मैं ये बात सुनकर वो आगे बोली नहीं कुछ, ना मना कुछ कदम उठाया, ना मना आगे कुछ कहा, ना मैं इतनी पढ़ी लिखी थी जो भी मैं करती आगे कुछ कार्रवाई। अब थाने में भी दरखास्त दिया। वो लड़की जो आप ले गए थे अब कहाँ है वो? अब उसके मायके में छोड़ रखी है।
आपने जोर हाँ जी अच्छा उसके फिर आपका हस्बैंड आया सामने सामने नहीं आ रहा वैसे वीडियो बना कर वैसे घेर दी उसने अच्छा न्यूज वाले के दूसरे भाई के पास वैसे कहाँ है आपका हस्बैंड मैंने नहीं पता कहाँ वो कहाँ नहीं है गाड़ी चला रहा अभी गाड़ी चला रहा वो पर ये नहीं पता क्योंकि उसने वीडियो भी गाड़ी में बैठ कर बना रखी थी इतना देखा मैंने वीडियो देखी ना उसकी कल मैंने वीडियो में देखा था वो ना गाड़ी में बना रखी वीडियो भी तो देख लो भाई पर बात अगर आप क्या कहना चाहो आपका हस्बैंड अगर सुन दो तो मैं तो ये कह रही जिस तरह मैं मीडिया के सामने आकर बात कर रही हूँ आप भी आकर बात करो और मैंने भी बुला लो और आप भी खुदा जो चल घर घरोंडे वाले तो डर लगा जिस तरह कर्जा ठा रखा घरोंडे वाले के पीछे लेकर बाज रहा है अपने चाचा था हुआ कि कुंडी वाले के सबके पीछे लेकर बाज रहा है तो सब तो डर लगा है तो कहीं भी पार्क में कहीं भी किसी आस पड़ोस के गाँव में कहीं भी आ जाओ वहाँ आकर बात कर लो और नहीं तो इतना डर लगा है कि भी मना मारपीट करेंगे गली मोहल्ले के मारपीट करेंगे या आस पड़ोस के मारपीट करेंगे सीधा थाने में आ जाओ थाने में आकर सीधा पेश होकर कह दो भी मैंने अपने घर वाली से बात करनी है मैंने दरखास्त दे रखी है हर जगह अगर मेरे में कोई गलती होती रिलेशन में रह रही होती या मैंने उसके गला कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता तो मैं उसको दरखास्त क्यों देती जगह जगह करनाल भी मैं जाकर मैं पागल हूँ मैं कहीं कहीं आ डर रही उसकी दरखास्त देती तो ईब देख लो जनता तो ये कह रही है कि दोनों पक्ष की सुन ली है क्योंकि लाइव है का गजब हरियाणा मीडिया पर भाई ने एक वीडियो भी डाली है जिसमें प्रभात कह रहे हैं कि मेरी आप तक कोई शादी नहीं हो रही है मेरी तो संजना तक कोर्ट में शादी नहीं हो रही मैं उनके प्रूफ दे दूंगी और लड़की गलती तो होगी लड़की गलती तो होगी एक बात बताओ अब वो तो हर जगह गलती करता रहोगा नहीं जाता रहोगा बच के तो पब्लिक तो हमारा ये था दिखाने का मकसद कि आप तक कुछ सवाल थे जो क्योंकि कल प्रभात न करे थे वो आज दिखाने थे अब जनता खुद डिसाइड करे कि कौन कितना सही है कौन कितना गलत है नहीं अगर ये इन कह रहे ना घर वाला मेरे कि भी मेरी शादी कोई नहीं हो रही इसके जीजा को बुला लूँगी इसका इसकी बहनी तो भागी है गाँव से इसके जीजा ने बुला लूँगी और 14 साल की इसकी बहन की लड़की है 12 साल का इसके बहन का लड़का वो तो नादान नहीं है वे तो अपने पूरे है मतलब इसकी बहन की हो रही थी पहला भी शादी बच्चों को छोड़ के भागी है बच्चों को 14 साल की लड़की 12 साल का लड़का छोड़ के भाग रही इसकी बहन देख लो कती नाश हो रहा है सारा था कोई भी एक भी ढंग था समझदारी था घर वो नहीं कर रहा है और ये हमारा कहना नहीं इनके विचार हैं बाकी जनता खुद समझ सका है कि बच्चन छोड़ के किस तरह सारा पहला घर वाला बैज रहा दूसरा अगला ब्याह करे वो भी किसी लड़की ने लेकर बैज रहा चली गई थी घरोंडे तक केस चला था उसका वो भी बच्चन छोड़ कर बैज रही के रहा होगा क्या समाधान होना तो चाहिए उसकी मैंने उसके है ना जी दीदी मेरे पास सुनो मैंने उसके जो मेरे जी जो मेरा नंदोई लगा है मैंने उससे बात करी थी उसके जो मेरे नंदोई के 5 बहन हैं उन तक मैंने बात करी थी वे बोले अगर भैया अपना गवाही की जरूरत पड़े ना तो हम इतनी दूर आ तो नहीं सकते हिमाचल तक हम वीडियो कॉलिंग कर देना हम गवाही दे देंगे कि भाई हाँ शादी हमारे पास सामने हुई थी जो मेरी जो नंद है पूनम है जो इनकी प्रभात की बहन है उसकी नंद 5 है वे सब आ रही थी शादी में नंदोई भी आ रहे थे उनके भांजे भी सब आ रहे थे शादी में जो अब ये झूठ बोलने लग रहे कि भी कोई नहीं था इस समस्या का आपने के समाधान लगा आप के चाहो हो बस मैं तो ये कहना चाहूँ मैंने इंसाफ चाहिए किस तरह का इंसाफ चाहिए इंसाफ चाहिए मेरी लड़की अब वो भी मेरी लड़की 5 साल की हो रही है उसका कोई ना तो नाम लिखवा रही स्कूल में अच्छा। और अब भी मेरी लड़की बीमार चल रही है मैं इतना भी नहीं है मैं उसका मतलब कि स्कूल में नाम लिखवा दूँ या दवाई बूटी करवा दूँ अभी मैंने किसी पड़ोसी पर उधार पैसे लेकर जब मैं उससे दवाई दुआ कर जब मैं आई हूँ अब यहाँ भी मैं उधार पैसे लेकर मैं अपने काम के वास्ते आई थी मेरा यहाँ भी काम नहीं बना वो जिस काम के वास्ते आई थी मैं दर दर की ठोकर खाती फिर रही हूँ अरे इस आदमी ने ना मेरा हर चीज़ का पता था कि भी इसकी शादी हो रही है हरिजन बिरादरी तो सब कुछ था अच्छा। और अब झूठ बोल लग रहे हैं कि भी वो हरिजन बिरादरी तो नहीं थी ना झूठ बोली मैं रिलेशन में थी होती मेरे लड़के तो खुद कई बार मिलवाने भी लेकर आया करते मैं मना कर दिया करती मैं कहना मैंने नहीं मिलना कई बार ये मेरे लड़के तो मिलवाने के लिए लाए हैं पानीपत पर मैं मना कर दिया करती मैंने नहीं मिलना क्योंकि माँ की ममता तो आप देखो एक बार देख ले बच्चे ना अपने फिर दोबारा चली जाओ आपके हस्बैंड ने लगवाया है कि अपना पहला पति से मिलने जाए कर दी इन बातों में कितनी सच्चाई है मेरे घर वाले ने जो मेरा जो पहला हस्बैंड है मेरा उसने क्लियर कर दिया था पहली वीडियो में क्लियर कर दिया था फ़ोन मिलवा कर मैंने नंबर किसी पड़ोसी पे मतलब कि आस पड़ोस से जाकर नंबर लिया तो मैंने उस तक फ़ोन मिला कर उस तक क्लियर करवा दिया था उन्होंने अपना पक्ष रखा कि भाई मैं मेरे से कोई कॉन्टैक्ट नहीं कोई बातचीत नहीं हाँ मेरी जब शादी हुई थी इनके पास तो मैं अपने प्रूफ लेने गई थी आधार कार्ड पैन कार्ड ये लेने गई थी क्योंकि मेरे घर वाले ने प्रभात ने बोला था कि भाई मैं अपने नाम तक मतलब कि कागज तैयार करवाऊँगा तेरे और आधार कार्ड भी प्रभात के नाम तक है पैन कार्ड भी प्रभात के नाम तो जो उन्होंने कहा कोई प्रूफ नहीं सब प्रूफ
है मेरे पास घर पे। और जब मेरी लड़की घर पे, आप अब नहीं है कोई फोटो पिक वगैरह? नहीं, फोटो मैं फोन में नहीं रख रखी, घर पे है सबूत सारे। और जो भेज दोगे वो पिक्स? हाँ भेज दूंगी आपके पास, स्क्रीन पर लगा देंगे। नहीं मैं भेज दूंगी, आधार कार्ड पे भी है उस पर। अब मैंने फैमिली आई डी बनवा रही है, मेरे घर वाले ने नंबर बंद कर रखा, वो फैमिली आई डी की नहीं बन रही है मेरी। तो नू बता, आधार कार्ड पर घर वाले का नंबर कहाँ था, पैन कार्ड पर घर वाले का नंबर कहाँ था, जो मेरी लड़की है उसका, उसके जन्म पत्री पे भी मेरे घर वाले का नंबर कहाँ था, फिर मेरे घर वाले का नाम उस पे भी। तो देख लो सारे जो सवाल थे उठे थे कल वीडियो आने के बाद, उनका जवाब ज्योति सामने आकर दे रही है। इब जनता खुद फैसला कर दियो कौन झूठा है कौन सच्चा है, इस बैन का केरा होना चाहिए, किसकी कितनी गलती है, क्या समस्या का इसका समाधान होना चाहिए। और लास्ट में आप अपने पति से क्या कहना चाहोगे? मैंने तो ये क्या, मैंने वीडियो जान के नहीं बनवाई थी शुरू में, तब इन्होंने मर तो मारने की धमकी दी। अच्छा, मैंने जब इन तक वीडियो बनवाई थी, मैंने जब भी इस करके वीडियो बनवाई थी, मैं अपनी लड़की की कसम खा कह रही कि मैंने, चल भाई वो डर के मारे घर बसा लेगा अपना, आ जाओगा। और उसने जब भी कोई डर बहन करा, और अब भी मैंने गलत साबित करना चाह रहा कि भी वो गलत है, और अब भी वीडियो में मतलब कि मैंने बदनाम कर रहा है, ये नहीं कह रहा अभी मैं अपनी गलती मान लूँ चल मैं अपना घर बसा लूँ, अभी ये नहीं है। मैं तो अब भी सोचू चल भाई तू घर आ जा घर बसा ले, देखो मन तो मिलने नहीं गए, थोड़ा टाइम लगेगा एक दूसरे समझने वास्ते, पर मैं अब भी कह रही अपना घर बसा लो आकर, कुछ नहीं रखा, 5 साल की लड़की है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो लग रही है। चल वो लड़का मैं जो छोड़ का पीछे है, उसके तो दादा दादी भी उसके पास है, उसका बाप भी उसके पास है, उसने हर तरीके का सपोर्ट करा, उसकी कोई कमी नहीं है उसकी। इस मेरे लड़के के पास तो दादी भी ऐसी नहीं है, जो मेरी सास भी ऐसी नहीं है जो कि भाई मेरी लड़की ने पाल लेगी। मैंने आप कभी अपनी मम्मी के पास छोड़ू, अपनी लड़की ना कभी अपनी बहन के पास छोड़ू, कभी अपनी बुआ के पास छोड़ू, जब मैं अपना गुजारा कर रही 1 साल तक, मैंने पता मैं किस तरह अपना गुजारा कर रही। तो देख लो बहन की आंखों में आंसू है, और सारी जो कहानी आपका समक्ष रख दी है कि बाप जनता समझदार है, न्यायकारी है, खुद डिसीजन ले कि कौन कितना गलत है, और इस बहन ने इंसाफ मिलना चाहिए तो किस तरह मिलना चाहिए। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि और कोई इसी गलती ना करे, जिस तरह बहन दर दर की ठोकरे खा रही और कोई ना खावे। और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो ज़रूर ते भी ज़रूर, और बेल आइकन ने प्रेस ऑल पर कर दियो ताकि कोई भी नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद जय हरियाणा।